पंचायत चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड कार्यालय में सकुशल नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। राज्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 7 से 8 अप्रैल तक नामिनेशन का कार्य कराया गया। इसी क्रम में 9 से 10 अप्रैल को सारे पत्रों की जांच निर्धारित है तथा 11 अप्रैल को शाम 3 बजे तक नाम वापसी और 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इस तरह सदस्य ग्राम पंचायत के 791 पदों के सापेक्ष में 318 पदों के नामांकन हुए, जिसमें 150 महिलाएं सम्मिलित हैं। वहीं प्रधान ग्राम पंचायत के 67 पदों के सापेक्ष अत्रोलिया ब्लॉक में 496 नामांकन हुए और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 56 पदों के सापेक्ष 265 पदों के नामांकन प्राप्त हुए। इस तरह से टोटल तीनों पदों के सापेक्ष 1079 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें जिला पंचायत पद सम्मिलित नहीं है। विकासखंड परिसर में पुलिस टीम एवं पीएससी की एक बटालियन भी तैनात थी। आइए सुनाते हैं कि आरओ भवानी शंकर शुक्ला ने क्या कुछ कहा। कल तक तो नाम निर्देशन की प्रक्रिया थी, वो 7 और 8 को माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित था। उस शेड्यूल के अनुसार 7 और 8 को नामिनेशन का कार्य कराया गया। 8 और 9 को जो है सारे पत्रों की स्क्रूटनी है, जांच है और 9-10 को जांच है और 11 को जो है 3 बजे तक नाम वापसी है और 3 बजे के बाद जो है चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा प्रत्याशियों को। लगभग सर कितने लोगों का नामांकन हुआ है? अब टोटल 1080 के आसपास जो है हमारे जो है नामांकन हुए हैं सारे पदों को मिला करके, जिसमें जिला पंचायत सदस्य पद सम्मिलित नहीं है। सर प्रधान और डीडीसी कितने कितने हुए हैं? सदस्य ग्राम पंचायत के 791 पदों के सापेक्ष में 318 पदों के नामांकन हुए हैं, जिसमें 150 महिलाएं हैं। और प्रधान ग्राम पंचायत के 67 पदों के सापेक्ष अतरौलिया ब्लॉक में 496 नामांकन पत्र जो है दाखिल हुए हैं 7 और 8 में। और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 59 पदों के सापेक्ष में 265 पदों के नामांकन प्राप्त हुए हैं। और जिला पंचायत की सूचना जिले से मिलेगी, 3 पदों के सापेक्ष उसकी जानकारी हमें नहीं है। और ओवरऑल कुल मतलब 1079 जो है नामांकन दाखिल हुए हैं 3 पदों के सापेक्ष।